हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक सेठा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। केमिस्ट्री नाम के सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक पढ़ाने के लिए ही हमने चैप्टर नंबर 4 पहले ही पढ़ लिया था, ताकि आपको जो एटम है उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसके बारे में पता चले। अब हमें पता है एटम के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के पास चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है नेगेटिव, और न्यूट्रॉन है वो चार्जलेस है, मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, मतलब जीरो चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये भी हमें पता है। पॉजिटिव और पॉजिटिव कंबाइन होते हैं तो रिपल्शन होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। नेगेटिव नेगेटिव नज़दीक लाओ तो भी दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे। मतलब कोई अगर दो केमिकल एलिमेंट्स है उनको जुड़ना है तो एक के पास होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के पास होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हमने जैसे पढ़ा था कि लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज मैं बात करूँ एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 और उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 3। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 3। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हम यहाँ पे दो काम कर सकते थे। 3 इलेक्ट्रॉन को मैं अगर रिमूव कर दूँ, या तो अनदर 5 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड कर दूँ। अब 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव। नेचुरली भी ऐसा ही होता है कि इजीली एल्यूमिनियम है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। अब सोचो ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल गई तो क्या होगा, तो एल्यूमिनियम है वो आयन बन जाएगा, जिसके पास अभी सिर्फ 2 और 8, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब पहले क्या था, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, तो 13 टाइम पॉजिटिव चार्ज था, 13 टाइम नेगेटिव चार्ज था, तो चार्ज क्या बच गया, जीरो। अभी क्या हुआ, 13 प्रोटॉन न्यूक्लियस में थे ही, इलेक्ट्रॉन 3 कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव चार्ज 13 टाइम था, नेगेटिव चार्ज 10 टाइम था, तो +3 जितना चार्ज बचेगा, तो ये +3 मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसी को हम बोलते हैं आयन। ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम आयन। ये क्या है, एल्यूमिनियम एटम। ये क्या है, एल्यूमिनियम आयन। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है वो किसी ना किसी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन, ठीक है। चलो, तो ऐसे बनता है आयन। और ये जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखे थे, वो क्या बन गई, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी है क्या, वो अभी अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। The combining power or capacity of an element is known as its valency. Valency मतलब number of electrons in outermost orbit. Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound. ठीक है, चलो। द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट एज
हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम, वो क्या बन गए, एटम के हाथ बन गए। तो एक एटम है उसके पास समझो दो हाथ हैं, और दूसरा एटम है उसके पास दो हाथ हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और एक बीच में बॉन्ड बना देंगे, और वो बॉन्ड ऐसा होगा कि जो इजीली ब्रेक नहीं होगा, और दोनों एलिमेंट अब कंबाइन हो चुके हैं तो वो बन गया एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब सभी के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, मतलब सभी के पास अलग अलग कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, तो वो आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो तो सम कॉमन सिंपल पॉली एटॉमिक आयंस आपको दिए हुए हैं, सम कॉमन सिंपल पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले नेम ऑफ आयन और यहाँ पे उसका सिंबल। अब देखो सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मतलब 281। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, इलेक्ट्रॉन दूर हुआ तो ये बनेगा पॉजिटिवली चार्ज, एक ही रिमूव हुआ है इसलिए ऊपर आएगा यहाँ पे प्लस वन, देखो एक ही बार प्लस है ना। तो सेम वैसे पोटेशियम सिल्वर कॉपर, पोटेशियम के लिए के प्लस, सिल्वर के लिए ए जी प्लस, कॉपर के लिए सी यू प्लस। अब कोई कोई एटम की मल्टीपल कैपेसिटी हो सकती है, मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो डिफरेंट हो सकती है। देखो तो यहाँ पे कॉपर के पास पॉजिटिव चार्ज है प्लस वन, यहाँ पे कॉपर के पास पॉजिटिव चार्ज है प्लस टू, तो ये हो सकता है। यहाँ पे देखो आयन के पास पॉजिटिव चार्ज है प्लस टू, यहाँ पे आयन के पास प्लस थ्री, तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कॉपर वन है या कॉपर टू है। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है टू। ठीक है, मैग्नीशियम के लिए Mg प्लस टू क्यों आया, समझो मैग्नीशियम है तो उसका एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 282। चलो आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, आउटर ऑर्बिट में टू इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को रिमूव कर दिया तो टू टाइम्स वो पॉजिटिव चार्ज बना, क्योंकि उसके पास है टोटल 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन, बट 12 में से दो इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो तो कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब प्लस 12 माइनस 10 कितना चार्ज बचेगा, प्लस 2, तो यहाँ पे हमने लिखा Mg2 प्लस। सेम वे कैल्शियम की आउटरमोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है, जिंक के लिए दो इलेक्ट्रॉन, तो सभी में देखो प्लस 2 आएगा। क्लियर, ओके। अभी एल्यूमिनियम के लिए देखो प्लस 3, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 283, तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो मतलब प्लस 3 जितना चार्ज उसके पास आया, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, अगर नेगेटिव चार्ज रिमूव होता है तो समझ लेना है कि वो एटम खुद पॉजिटिव बनेगा। अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकाल दो तो आप खुद बन जाते हो पॉजिटिव, सेम वे। ठीक है, तो यहाँ पे आयन है उसने तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो Fe3+ बनेगा, ओके। चलो ये सब आयन्स हुए मोस्ट ऑफ, देखो यहाँ पे सब मेटल्स हैं। अब यहाँ पे आएंगे नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, तो कौन सा है, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो फॉर्म है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर वन एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो लूज भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है तो H+, हाइड्राइड आयन है तो H-, क्लोरीन का बनेगा क्लोराइड। अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 287 उसका कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता है तो वो खुद बनेगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिविटी अंदर आई तो क्लोरीन का हो जाएगा क्लोराइड आयन। ठीक है, याद रखना पॉजिटिव आयन है तो एज इट इज नाम रहेगा, देखो सोडियम पोटेशियम सिल्वर एज इट इज, बट अगर नेगेटिव आयन है तो नाम चेंज होगा, हाइड्रोजन था तो क्या हो गया, हाइड्राइड, क्लोरीन था तो क्लोराइड, ब्रोमीन था तो ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड, ओके। ऑक्सीजन का हो गया ऑक्साइड, ऑक्सीजन में -2 क्यों आया,
क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखने जाओ तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 6। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को हम लूज कर सकते हैं या तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी है 6 को लूज करने से। तो हमने ऐड किए 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसके पास नेगेटिव चार्ज आया 2-। ठीक है, सेम वे सल्फाइड, सल्फर का बना सल्फाइड S2-। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो ये बना नाइट्रोजन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो ये बना नाइट्राइड N3-। ठीक है, अब पॉली एटॉमिक, देखो ये सब सिंपल थे, ये सब सिंपल आयन्स थे, अभी आए पॉली एटॉमिक, एक से ज़्यादा एटम मिलके फिर आयन बनाते हैं। तो देखो एमोनिया क्या है, NH4+। अब ये ऊपर प्लस कहाँ से आया समझो, यहाँ से उठाओ नाइट्रोजन, यहाँ से उठाओ हाइड्रोजन। अब देखो NH4 है तो N का चार्ज कितना है -3, H का कितना है +1, बट वो 4 टाइम्स है तो +4 हुआ। अब -3 + 4 आपको मिलेगा +1, तो ये +1 चार्ज हमने इसके ऊपर देखो एक प्लस बना के रख दिया। ठीक है, सब भी वैसे ही आपको समझने हैं। देखो ये हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे कहीं पे ऑक्साइड किधर था, ये रहा, तो OH में ऑक्सीजन का -2 चार्ज है और हाइड्रोजन का +1 है, आंसर आया -1, तो यहाँ पे हमने रख दिया -1। नाइट्रेट NO3- बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का चार्ज जो काउंट हुआ है, समझना कि नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर है 7, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2-5, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वो रिमूव कर रहा है तो नाइट्रोजन की कैपेसिटी +5 और -3 दोनों हैं, यहाँ पे यूज़ हुई है +5। अब देखो +5 और ऑक्सीजन का -2 होता है बट 3 टाइम्स तो -6 हो गया, तो ये बना -1, तो ये -1 चार्ज यहाँ पे रख दिया गया। ठीक है, सेम वे हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3- याद रखना है, कार्बोनेट CO3-2, सल्फाइट SO3-2, सल्फेट तो SO4-2, फॉस्फेट तो PO4-3। ठीक है, तो जितने हो सके उतने याद रखने की ट्राई करो ताकि आप एलिमेंट्स की हेल्प से मॉलिक्यूल्स बना पाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला है उसका ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें सिर्फ आपको ये सब याद रखना है। एक बार आपने ये सब याद रख लिया फिर केमिकल फॉर्मूला बनाना एकदम ईजी है। ठीक है, चलो तो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप ये सब याद रख के आओगे और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कैसे केमिकल फॉर्मूला आप लिखोगे। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।